देश दुनिया के श्रद्धालु प्रयाग नगरी में लगने वाले कुंभ मेले में आने के लिए आतुर हैं। अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग दुनिया से आने वाले श्रद्धालु नागा साध और शाही स्नान को नजदीक से देखने के लिए उत्साहित हैं। संगम नगरी में लगने वाली टेंट सिटी अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस टेंट कॉलोनी में दो क्लास बनाए गए हैं, पहला महाराजा टेंट और दूसरा स्विच कॉटेज। ये कॉलोनी किसी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। टेंट कॉटेज के अंदर हुए इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं को रुकने के लिए। यहाँ पे डबल बेड दिए गए हैं जहाँ पे दो लोग आराम से सो सकते हैं। इसके अलावा चेहरे और तैयार होने के लिए शीशे से लेकर मतलब जिस तरह से एक 5-स्टार होटल में पूरी व्यवस्था की जाती है उसी तरह से महाराजा कॉटेज में पूरी व्यवस्था। हमारे साथ यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं मैनेजर साइड इंजीनियर जी हैं और इनसे हम बात करेंगे क्या क्या व्यवस्था है महाराजा कॉटेज और स्विच कॉटेज में, दोनों में क्या अंतर है। जो है जो कि सारी एक होटल में सुविधाएं होती है वो सारी आपको मिलेंगी। ये जो है दिखा दी, हाँ हाँ यहाँ पे ये ड्रेसिंग रूम है, इसके बगल में बाथरूम है, पूरा सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है नहाने से लेके और जो है बाथरूम का पूरा। और संगम टेंट कॉलोनी में कितने महाराजा टेंट कॉटेज है? 21 महाराजा कॉटेज है और 30 जो है स्विस कॉटेज है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की व्यवस्था उनके रहने और रुकने के लिए आकर्षण टाइप की VVIP लग्जरी टेंट कॉलोनी बनाई जा रही है। आप लैट्रिन सोने व्यवस्था से लेके खाने पीने और गार्डनिंग की भी पूरी सुविधा दी गई है। ईटीवी भारत से सुमित यादव प्रयागराज।